वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का जो कंटिन्यूटी में हमारा 10th ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है, इससे पहले मैंने इसकी एक फर्स्ट वीडियो आपको बना के दी है, उसको आप ज़रूर देखेंगे। उसी की आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो इसी टॉपिक की है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। What steps should be taken to conserve forest and wildlife in India? पहले भी हमने इस पर बात की है, तो मैंने यहाँ पर कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स लिखे हुए हैं। कंजर्वेशन जो आपकी है, यानी स्टेप्स कौन से लिए जाने चाहिए जिससे हम अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकें। तो सबसे पहले इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया, एक एक्ट पास किया गया, जिसमें ये एक लीगल प्रोविज़न जो है बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को, कि इन्हें कोई भी जो है ना इनको भगा सकता है, ना इनकी हंटिंग कर सकता है, ना इनमें किसी किस्म का कोई हाथ जो है इंसान का नहीं होना चाहिए। अगर किसी किस्म की कोई जो है वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ में किसी किस्म की कोई खलल डालने की कोशिश करता है तो उसको फाइन होगा, उसकी सज़ा होगी। तो ये एक लीगल प्रोटेक्शन जो है वो 1972 में दी गई है। दिस इज़ द फर्स्ट मेजर। नाउ द सेकेंड वन, एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ वाज पब्लिश्ड। देखिए एक लिस्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो पब्लिश की गई, जिसमें प्रोटेक्शन दी गई है बहुत सारी स्पीशीज़ को। एक लिस्ट निकाली गई है कि किन को कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो उस लिस्ट के अंदर जो है एक लिस्ट तैयार की गई है। जैसे IUCN की क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था, उनका एक डाटा रहता है, इसी तरह से यहाँ पे भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक लिस्ट तैयार की गई, जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो मेजर्स उठाए गए हैं। और सेकेंड, बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू दियर हैबिटेट, रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। देखिए हंटिंग को बैन किया गया, ये भी एक कंजर्वेशन, एक कंजर्वेटिव मेजर है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। अगर हम अपने रिसोर्सेज को काफ़ी देर तक सस्टेन करके रखना चाहते हैं तो हमें हंटिंग जो है वो प्रोहिबिट करनी है, हमें हंटिंग नहीं करनी होगी। लीगल प्रोटेक्शन टू दियर हैबिटेट, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ये याद रखिए। यानी वाइल्ड लाइफ में जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि कोई भी इनका ट्रेड जो है, इनका कारोबार जो है, जानवरों को कोई बेच नहीं सकता है। जैसे आपने देखा है डोमेस्टिक एनिमल्स में जो है वो ट्रेड चलता है, हमारी जो जैसे बुफेलोज हैं, इसके अलावा और जो बहुत सारे जानवर हैं उनका ट्रेड होता है, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ये एक कंजर्वेटिव मेजर है कि इसकी जो है कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के द्वारा से, यानी गवर्नमेंट की एजेंसी से नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को तैयार किया गया कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फना स्पीशीज। नेशनल पार्क्स बनाई गई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए नेशनल पार्क्स क्या होती हैं, नेशनल पार्क्स जो हैं ये प्रोटेक्टेड वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे नेचुरली जो स्पीशीज़ होती है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, एक बाउंड्री जो है वो डिमार्केट की जाती है। नेशनल पार्क्स में उस रीजन के इकोसिस्टम को भी जो है वो मेंटेन किया जाता है, उसकी भी देखभाल होती है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नेशनल पार्क से कम एरियाज वाली होती है, या छोटी होती है एरियाज में, और इसमें पाए जाने वाले जो स्पीशीज़ होती हैं उनको ही प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट्स टू प्रोटेक्ट एनिमल्स सच एज टाइगर, वन हॉर्न, राइनोसोर्स, क्रोकोडाइल्स, एशियाटिक लाइन एट्सेट्रा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक उस पर होने वाला है, प्रोजेक्ट टाइगर पे हम अलग वीडियो आपको देंगे। इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें आपका टाइगर है,
टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर जो है ये टाइगर बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए गए जानवरों को बचाने के लिए, जैसे इसमें वन हॉर्न राइनोसोर्स है, क्रोकोडाइल्स हैं, एशियाटिक लाइन है वगैरह, इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें जानवरों को तहफ़ जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, इन प्रोजेक्ट्स से सिर्फ जो है आप इन एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपके इंसेक्ट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, जैसे बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, ड्रैगन फ्लाई हैं वगैरह जो हैं, ये सारे प्रोटेक्टेड लिस्ट में जो है इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जो नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई थी 1980 and 1986 में, उसमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम स्पीशीज़ को इंक्लूड किया गया है कि इनकी प्रोटेक्शन जो है इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो है वो की जानी चाहिए। और 1991 में याद रखना 6 प्लांट्स की स्पीशीज़ जो है वो और भी इंक्लूड की गई हैं जो प्रोटेक्टेड लिस्ट में, जिनको इंक्लूड किया गया है। इस तरह से बहुत सारी आपकी जो प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं जिनकी लिस्ट जो है 34,419 है, लेकिन इसके अलावा कुछ और स्पीशीज़ जो हैं वो 1991 में इंक्लूड की गई हैं, जिसके द्वारा जो है हम इन तमाम चीज़ों को बचा सकते हैं। तो दीज आर द कंजर्वेटिव मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे और उसके बाद सेकंड वीडियो को फोकस करेंगे, और इस तरह से आप एक बेहतरीन आंसर जो है आप कॉर्पोरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you.